समय के बाद मनीषा रानी के निकल चुके हैं आंसू, वहीं पर जधा दिद ने लगा लिया है गले। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मनीषा को लगता है कि भाई जधा को जो भी बताया जाता है वो काफी ज्यादा गलत मनीषा के बारे में बताया जाता है। अगर उनको एक्चुअली में गलत नहीं बताया जाता तो आज मनीषा को वो फेक नहीं बोलते और पहले उनको नॉमिनेट नहीं करते, जहां पर ये चीजें उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। हालांकि दूसरों के साथ तो वो बहुत ही स्ट्रांगली लड़ती हुई दिखाई दी, पर जधा दीद के सामने आंखों से आंसू आ गए। जहां पर पूजा भट्ट जो है साथ देती हुई नजर आई मनीषा रानी का, और मनीषा जो है वो एक्चुअली में समझाती हुई नजर आई, जहां पर पूजा भट्ट ने इंग्लिश में समझाया कि भाई मनीषा बहुत अच्छी है, वो फेक नहीं है, वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा केयर करती है। और जो भी इन लोगों ने मुद्दा बनाया है, पगला कोई बड़ा शब्द नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो स्लैंग वर्ड नहीं है, वो बहुत अच्छे से प्यार से बोला है, और वैसे भी वो फेक नहीं है, और जो चीजें करती है वो बहुत अच्छा करती है। और तुमने बोला ना कि नाम खराब होगा, उसने तो खुद बोला है कि भाई वो लड़का मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करता है, मैं ही करती रहती हूँ, अगर नाम खराब होगा मेरा होगा उसका नहीं होगा। तो ये बातें सुनने के बाद जो है करती करती रो पड़ती है, और वहां पर जधा दीद जो है सॉरी बोलते हैं, गले लगाते हैं, और उनको पता नहीं चला, वो उस फीलिंग को समझते हैं। जहां पर मनीषा बोलती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बहुत अच्छी दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलूंगी, जहां पर जधा भी समझता है और ये बात बोलता है कि हाँ ठीक है। और एक्चुअली में मनीषा कभी भी जधा दीद के बारे में बुरी चीजें नहीं बोलती है, और ऐसा फ्लर्ट नहीं कर रही है यार मनीषा जो कि हमें बुरा लगे, वो फ्लर्ट कर रही है, बहुत हेल्दी फ्लर्ट है जिसको हम एंजॉय कर रही है। पर यहां पर अविनाश जो है ऐसे ही बेफालतू पर राशन पानी लेके चढ़ गया, पर हालांकि मनीषा ने उतार तो दिया है नीचे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।